मेरा बेबी रात भर सोता नहीं है, मैं उसे फीड करके सुलाती हूँ, उसे डायपर पहना कर सुलाती हूँ, उसके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखती हूँ, उसके बाद भी वो सोता नहीं है और वो रात भर रोता रहता है, जिसकी वजह से मेरी भी तबीयत नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, मेरे स्टिचेस में बहुत पेन होता है और मेरा खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता। क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है? क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है? तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो अक्सर ही रात में क्यों जगते हैं, उन्हें हम कितना भी ट्राई करें, कितनी भी कोशिश करें सुलाने की, बट वो सोते नहीं हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मैं शिवानी, आप सबका स्वागत है प्रेगनेंसी गाइड में। चलिए यहाँ पे टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड हैं आपकी बेबीज के नाइट स्लीप से। तो चलिए हम जानें वो क्या है। पहला है बच्चे की भूख, हंगर। अक्सर हम उनके हंगर का ख्याल नहीं रखते, हम उन्हें फीड कराते हैं और हम उन्हें सुला देते हैं, हम सोचते हैं कि अब तो वो रात भर सोएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो भी बहुत छोटा होता है, उसकी ग्रोथ का टाइम होता है, इसलिए उसे बार बार भूख लगती रहती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हर 2 आवर्स पर उसे फीड कराएं, ताकि उसका स्टमक एम्प्टी ना हो और वो कंटिन्यूस सोता रहे। सेकेंड पॉइंट है डाइपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे जो डाइपर पहनाकर सुलाया है वो डाइपर फुल हो चुका है? जी हाँ, ये काफ़ी कॉमन रीज़न होता है बच्चों के रोने का। कोशिश करिए, अगर गर्मियों का मौसम है और ठंड नहीं है, नॉर्मल सीज़न है, नॉर्मल मौसम है, तो आप कभी कभी उसे बिना डायपर के भी सुला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायपर पहनाते हैं तो कोशिश करिए कि हर 2 से 2.5 घंटे पर उसका डायपर चेंज कर दें, या थोड़ी देर के लिए उसे डायपर फ्री कर दें। जैसे ही आप उसका डायपर खोलेंगे वो अपने आप थोड़ा सा हैप्पी हो जाएगा और काफ़ी कम्फर्टेबल फील करेगा। तीसरा पॉइंट है उसका कम्फर्ट, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग उसे ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। अगर गर्मी का सीज़न है तो कभी कभी बच्चे बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है, उन्हें गर्मी बहुत जल्दी महसूस होती है। गर्मियों में हमें चाहिए कि नॉर्मल पानी से उनके पूरे बॉडी की स्पंजिंग करके उन्हें नाइट सूट यानी नाइट क्लोथ कॉटन कपड़ों में ही सुलाएं, और अगर सर्दियाँ हैं तो उनके ठंडक का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छी ब्लैंकेट, सॉफ्ट ब्लैंकेट उठाएँ, और कोशिश करें कि जिस शीट पर बच्चा सो रहा है वहाँ भी एक सॉफ्ट सा वुलन बेडशीट या वुलन ब्लैंकेट हो। अगर इस तरह से हम बेबी को ठंड में सुलाएंगे तो वो काफ़ी वार्म फील करेगा और अच्छे से सोएगा। अदर पॉइंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे को कहीं पेन है या फिर गैस की प्रॉब्लम है या फीवर है? देखिए, गैस की प्रॉब्लम न्यूबॉर्न्स में बहुत ही कॉमन होती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे ज़्यादातर बेड पर ही रहते हैं या पेरेंट्स की गोद में रहते हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती इसलिए, और वो मिल्क ही लेते हैं तो उन्हें गैस ज़्यादा बनती है। आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं उन्हें गैस तो नहीं बनी है। उन्हें अपने कंधों पर लेकर थपकी दें, डकार अगर आ जाती है तो क्या पता उन्हें नींद आ जाए। डकार आने से एसिडिटी कम होती है, गैस निकल जाती है, इसीलिए फीडिंग कराने के बाद कंधे पर लेकर बच्चों को थपकी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदर पॉइंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे कहीं पेन है उसके पेट में, पैरों में? हो सकता है आप उसकी हल्की मसाज करें पाउडर से या ऑयल से, तो उसे थोड़ा सा रिलीफ फील हो और वो सो जाए। इसके बाद हम आते हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जैसे आपको आपकी बॉडी में जो मिल्क सप्लाई है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप चेक करिए कि आपको जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उससे बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं। आप प्रोटीन और फाइबर से भरपूर डाइट लीजिए, जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो और बेबी का पेट भरता रहे। उसके बाद ऐसे कुछ कॉमन रीजन्स हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं वो क्लीन नहीं होते, पॉटी या शूशू करने के बाद हम उन्हें क्लीन करना भूल जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अगर ऐसा है तो आप हल्के से वार्म वाटर में डिटॉल्स की 1 या 2 बूंद डालकर उन्हें क्लीन करके फिर उसके बाद डायपर पहनाएं, और डायपर के रैशेस से भी अक्सर कभी कभी बच्चे नहीं सो पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे जेन्युइन पॉइंट्स थे जिनकी वजह से बच्चे रात भर जगते हैं, सोते नहीं हैं। कुछ ऐसी भी बात है जिनका अगर हम ख्याल रखें, ध्यान दें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कोशिश करें कि बच्चा शाम में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ना सोए। अगर वो उस टाइम जगता है, थोड़ी सी मूवमेंट होती है, थोड़ी सी मसाज होती है, या थोड़ा सा हाथ पैर चलाकर वो साइकिलिंग करके खेलता है, तो होपफुली वो थक जाएगा और वो अपने टाइम पर सो जाएगा। इसके बाद भी अगर बच्चा बार बार जगता है तो उसे थोड़ा सा पानी पिलाएं, अच्छे से फीडिंग कराएं,
हर 2 घंटे पे फीडिंग कराएं। फीडिंग के बाद उसे कंधे पे लेकर थपकी ज़रूर दें। इन सारे टिप्स को फॉलो करके मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड पर्सन को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने चैनल में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।